इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेवक में समायोजन करना होगा, करना होगा। हम नहीं रुकेंगे, नहीं झुकेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। सलाहकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान सलाहकार का सोचा, चाचा भतीजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी। किसान सलाहकारों को जनसेवक पद पर समायोजन की मांग को लेकर हड़ताल के तीव्र आक्रोशित कर्मियों ने जिला कृषि कार्यालय में तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिले के किसान सलाहकार पिछले 6 जून से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार तीव्र दिन भी हड़ताल पर है। अपने लगन व परिश्रम से खून पसीना बहाकर नालंदा धान की उपज में विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। किसान सलाहकार किसानों के बीच घर घर जाकर कृषि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इतना काम लेने के बाद भी अल्प मानदेय मात्र 13,000 दिया जा रहा है। 13 वर्षों से कार्यरत रहने के बावजूद मात्र 13,000 रुपए का मानदेय देकर बिहार सरकार किसान सलाहकार का भरपूर शोषण व अन्याय कर रही है। इस महंगाई के दौर में इतना कम मानदेय में अपने परिवार व बच्चों का भरण पोषण, पढ़ाई लिखाई, इलाज, मकान, किराया, बिजली बिल व अन्य खर्च संभव नहीं है। बिहार सरकार के मनमानी व उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सड़क पर आने को मजबूर हुए हैं। करो या मरो की नीति के तहत जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा, नहीं हटेंगे, डटे रहेंगे। आज हमारा 13वां दिन है हड़ताल अनिश्चितकालीन के लिए। हमारी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती है, जब तक बिहार सरकार कुंभकर्णी निद्रा से नहीं जागती है, हम डटे रहेंगे। कितना सूत्री मांग है, आप क्या किए? हमारा एक सूत्री मांग है कि किसान सलाहकार को जनसेवक में समायोजन। आज क्या किए आप लोग? किया जाए। आज क्या किए? आज हम लोग हड़ताल के साथ साथ तालाबंदी कार्यक्रम किए। क्या नाम है? जिला कृषि कार्यालय नालंदा में। क्या नाम? ब्रिजेश नारायण। नालंदा से आशीष कुमार की रिपोर्ट।